टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कभी कभी हम जब परिश्रम से काम करते हैं तो शुरू में तो हमारा काम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कार्य की क्षमता कम होती चली जाती है, लेकिन हम कभी कभार दूसरे पहलुओं को नहीं देख पाते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा एक सुथार को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगले कुछ महीनों में हमारे लिए एक नया महल तैयार किया जाएगा जिसके लिए लकड़ी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तो तुम जंगल में जाना और सूखे पेड़ को काटकर बहुत सारी लकड़ियां लेकर आ जाना। तो सुथार ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं ये कार्य बहुत अधिक मेहनत से करूंगा, और वो जंगल में चला जाता है। पहले महीने में उसने बहुत मेहनत से पेड़ काटे थे और उन पेड़ों की संख्या 20 थी। अगले महीने उसने उतनी ही मेहनत की थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ 15 ही पेड़ काट पाया, जिसकी वजह से वो चिंतित हो गया था। अब धीरे धीरे इसी तरह वो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन तीसरे महीने में वो और ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 12 ही पेड़ काट पाया था। अब वो काफी चिंतित रहने लग गया था कि मेरी कार्य क्षमता इतनी कम कैसे हो सकती है, जबकि मैं तो और अधिक मेहनत करता हूँ। तो राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने उससे अपने से मिलने बुलाया। सुथार राजा के पास आते हुए उनसे क्षमा मांगता है कि महाराज, मैं तो बहुत अधिक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कार्य क्षमता कम हो गई है। मुझे लगता है कि ये सब मेरे बुढ़ापे का असर है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है जिससे तुम पेड़ काटते हो, उसमें अंतिम बार धार कब लगवाई थी। तो उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि सिर्फ एक ही बार धार लगवाई थी, वो भी तब जब आपका आदेश मिला था। तो राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं आई है, तुम्हारे कार्य करने के तरीके में कमी आई है। पहले उस कुल्हाड़ी को धार लगवाओ, उसके बाद अपना कार्य फिर से शुरू करो। सुथार को राजा की बात समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने कार्य को पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो वस्तुएं होती है जिनसे हम काम करते हैं, हमें उनको अच्छे से जांच परख लेना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसी तरह हमें खुद को भी, जब हम कोई काम करते हैं तो वक्त के साथ हमें खुद को अपडेट करने की आवश्यकता भी होती है। आजकल के काम अलग अलग तरीकों से होता है, तो वो सभी तरीके हमें सीखकर अपने काम को आसान भी बनाना चाहिए और अच्छा भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।